वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौतम विद आइडियाज। तो जैसे आप थंबनेल पे फोटो देख के समझ गए होंगे कि हमारा आज टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा जो टॉपिक है आज वो है एप्सन L1032 का ड्राइवर कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद डालना है एप्सन, आपका जो भी प्रिंटर है उसका नाम डाल लेना है एप्सन L3210 ड्राइवर। तो इसे मैंने डाल लिया ड्राइवर डाउनलोड। ड्राइवर पर क्लिक कर देंगे। ड्राइवर पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है हमें उस पर ऑन करनी है। वो फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद कुछ नया पेज ओपन होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दिखेगा विंडो 10, मतलब आपकी जो भी विंडो है लैपटॉप में वो खुद चूज करने का। और अगर नहीं करता है तो तुम्हें यहाँ से सिलेक्ट करके कर लेनी है। तो मेरी विंडो सिलेक्ट कर ली है। फिर हमें प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद जो दोनों ड्राइवर दिख रहे हैं ये दोनों हमें डाउनलोड कर लेने हैं। चलिए मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। एक्टिव, देखिए मेरा फर्स्ट वाला जो है वो डाउनलोड होने लगा है। अब मैं सेकंड वाले को भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये है मेरा सेकंड वाला, मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे देखिए मेरे दोनों ड्राइवर डाउनलोड हो गए हैं, पहला वाला दूसरा वाला भी। तो फिर जाना है हमको अपनी फाइल में। करने के बाद कुछ ऑप्शन, मतलब हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए हम फोन से दिखाना चाहते हैं आपको। तो फाइनली हम अपनी फाइल में आ गए हैं। तो फाइल में हमने डाउनलोड करा था, डाउनलोड पर क्लिक करना। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद एप्सन वाला जो फर्स्ट वाला है इस पर दो बार टैप करना। दो बार क्लिक करने के बाद इसको यस करना है। यस पे क्लिक कर देना। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी, फिर ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इंग्लिश में रहने देता हूँ। एग्री पे क्लिक करना। एग्री पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारा जो एप्सन प्रिंटर है उसको ऑफ कर देना एक बार। ऑन करके, ऑफ करके फिर ऑन कर देना। फिर हमें दूसरे वाले पे क्लिक करना। दूसरे वाले पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देना। यस पे क्लिक करने के बाद ओके नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे फिर सिलेक्ट लगाना, फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलिंग होगा। इंस्टॉलिंग होने के बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो एप्सन का ड्राइवर है वो स्कैन और ड्राइवर दोनों डाउनलोड हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।